वालेकुम फ्रेंड्स मेरा नाम अक्र अब्बास और आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में भी आज की वीडियो में भी मैं बात करूंगा यूट्यूब शॉर्ट्स की और वो बात ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता है कि आने वाले साल में यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी यानी कि यूट्यूब ने अनाउंस किया है कि जिस तरह वो लॉन्ग वीडियोस पे ऐड देता है इस तरह वो शॉर्ट वीडियोस के ऊपर भी ऐड देगा अब ये चीज़ जो है ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है जो टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाते हैं या रील्स वगैरह के ऊपर यानी कि जो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर तो यहाँ पर उनको कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाएगी कुछ ना कुछ अर्निंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी है कि जिस तरह हम देखते हैं कि आपको लॉन्ग वीडियोज़ के ऊपर आप पैसे कमाते हैं इस तरह से आपको शॉर्ट वीडियोस के ऊपर आप इतने पैसे मतलब आप नहीं कमा सकते हैं उसकी वजह उसकी वजह यह है कि जब आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो उसके ऊपर कोई ऐड चलता है तो उस ऐड का उस ऐड की जितनी भी अर्निंग होती है वो आपको मिलती है यानी कि 55 फाइव परसेंट यूट्यूब आपको देता है 45 परसेंट खुद रखता है तो जब लॉन्ग वीडियो के ऊपर ऐड चलता है तो वो 55 परसेंट पूरे का पूरा आपको मिलता है लेकिन शॉर्ट वीडियोस के अंदर ऐसा नहीं होगा उसमें इस तरह से होगा कि आप वीडियोस स्क्रॉल कर रहे हैं तो अगर छः वीडियोज़ के बाद एक ऐड आ जाता है और फिर पाँच छः वीडियोज़ चलती हैं और फिर एक और ऐड एक और आ जाता है तो वो जो बीच में गैप होगा उसमें जितनी भी वीडियोस चली होंगी उन सबको जो उस ऐड की अर्निंग होगी वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी बराबर बराबर अगर छ वीडियोस चलती हैं छः वीडियोस के बाद एक ऐड आता है तो छः लोगों को उस ऐड के पैसे दिए जाएंगे मिसाल के तौर तो पे अगर उस ऐड की कीमत एक डॉलर है यानी कि उस एड पे क्लिक करने का या उस ऐड को देखने का एक डॉलर है तो वो एक डॉलर जो है वो उन छः लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बाद फिर आगे वीडियो स्ट्रोल होंगी और अगला जो ऐड आएगा उसमें भी इसी तरह जो अर्निंग होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो इस तरह आपको वो फिफ्टी फाइव परसेंट पूरा नहीं मिलेगा बल्कि वो हो जाएगा तकरीबन आठ या दस परसेंट तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि आपको आपकी जो अर्निंग है वो कम होगी तो ये तो एक इसका डिसएडवांटेज है लेकिन इसमें एक एडवांटेज भी है आपको और एडवांटेज आपको उसमें तब मिलेगा कि अगर आप वीडियोस ज़्यादा बनाते हैं तो उसमें आपकी व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होंगे तो फिर एक ये चीज़ हो जाएगी कि आपको एड ज़्यादा आपके चैनल के ऊपर आएंगे और फिर आपको कुछ अर्निंग हो सकती है और दूसरा इसमें आपको आप शॉर्ट्स से मतलब ये फ़ायदा ले सकते हैं कि अगर आप शॉर्ट्स बनाते हैं तो आपके चैनल के ऊपर व्यूज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं सब्सक्राइबर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं तो इससे आप अगर लॉन्ग वीडियोज़ बनाएंगे साथ तो इसका बेनिफिट होगा तो मेरी सारी बात कहने का मकसद ये है कि अगर आप यूट्यूब से यूट्यूब शॉर्ट्स से पैसे कमाने का सोच रहे हैं तो आप खाली शॉर्ट्स बना के पैसे ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते आपको साथ में लॉन्ग वीडियोज़ भी रखनी पड़ेंगी और आपको रखनी चाहिए तब आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ शॉर्ट्स क्यों पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे इसके अलावा एक और बात जो एक और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है वो क्वेश्चन ये है कि अगर मिक्स कंटेंट चलाया जाए शॉर्ट्स के ऊपर तो वो कैसा रहेगा तो फ्रेंड्स मिक्स कंटेंट का आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा ज़्यादा फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि अगर आप तीन चार टाइप्स का कंटेंट चला लेते हैं मिसाल के तौर पे अब जैसे मेरा आईटी का चैनल है तो मैं साथ वी भी शुरू कर दूँ कुकिंग भी शुरू कर दूँ तो हो सकता है कि मेरे चैनल पर सारे ऐसे लोग आ आज जिनको सिर्फ वी में इंटरेस्ट हो या जिनको सिर्फ कुकिंग में इंटरेस्ट हो और जो मेरा चैनल बनाने का मकसद है वो है टेक्नोलॉजी है आईटी है तो उस वाले से लोग मेरे चैनल पे हो ही ना तो उसमें ये होगा कि फिर मेरे चैनल पे इंप्रेशन ज़्यादा पढ़ना शुरू हो जाएंगे और व्यूज़ जो हैं वो उसके मुकाबले में कम आएंगे और ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है आपके चैनल के लिए अगर आपके चैनल पे व्यू नहीं आ रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्त बढ़ना शुरू हो जाएंगे लेकिन अगर आपके चैनल पे इंप्रेशन ज़्यादा पड़ रहे हैं और व्यू कम आ रहे हैं तो फिर आपका चैनल बिल्कुल ऐसे बैठ जाएगा और उसके बाद फिर उसका चलना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा या नामुमकिन हो जाएगा तो मिक्स कंटेंट का सबसे जो बड़ा नुकसान होता है वो यही होता है कि आपके चैनल के ऊपर इम्प्रेशन एक टाइम आता है ज़्यादा पढ़ना शुरू जाते हैं और उसके मुकाबले में व्यूज़ जो हैं वो कम हो जाते हैं तो मेरे ख़्याल से अगर आप शॉर्ट्स भी बनाते हैं तो आपको मिक्स कॉन्टेंट नहीं बनाना चाहिए आपको जो भी आपके चैनल की थीम है आपको उसी के ऊपर चलना चाहिए और उसी हवाले से आप लॉन्ग वीडियोज भी बनाएं और उसी हवाले से आप शॉर्ट्स भी बनाएँ ताकि जो आपके शॉर्ट्स देखेगा उसको समझ आ जाएगी कि क्या आपका कॉन्टेंट है आप इस तरह की वीडियोज बनाते हैं तो फिर वो आपके चैनल पर आके आपकी बाकी लॉन्ग वीडियोज़ भी देखेगा और उसमें आपको अर्निंग ज्यादा होगी इसमें क्वेश्चन ये भी है कि अगर कोई बंदा लॉन्ग वीडियो बनाता है तो उनको बीच में से काट के शॉर्ट्स बनाए जा सकते हैं तो बिल्कुल बनाए जा सकते हैं मिसाल के तौर तो पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ तो इसी के अंदर से मैं कुछ पार्ट्स को काट के शॉर्ट्स बना देता हूँ तो उसमें मेरे मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है और यूट्यूब की पॉलिसी में भी इस चीज़ को बैन नहीं किया जाता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे लोगों के जो यूट्यूब शॉर्ट्स के वाले थे से थे और लोगों को कन्फ्यूजन थी इस हवाले से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप कोई चीज़ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा मैं उसका जवाब दूंगा तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है तो आपको उसकी एक प्लेलिस्ट मिलेगी यूट्यूब के वाले से मैं वीडियोस बनाता हूँ अलग से आपको उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसको भी आप मेरे चैनल पे जरूर देख लीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया हाफिज़